أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزم إذا شئت سهلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما امين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हदीस के सिलसिले में रियाज साल की जिल्द अव्वल बाब नंबर नौ चैप्टर नंबर नाइन को देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कुछ वजुहत की बिना पर कुछ इंसानी वजूहत की बिना पर जुमेरात को क्लास नहीं हो चुकी थी ये सबक तो जैसा कि कल हमने मैसेज किया था रात को कि हम इनशा आज हदीस को देखेंगे हदीस का सबक देखेंगे <coughs> चैप्टर नंबर नाइन रियाज साल उसका मौजू है अल्लाह की अजीम मखलूक़ात में गौर करने का दुनिया के फना होने आखरत की होलनाकियों दुनिया व आखरत के तमाम उमूर नफ्स की कोताही और इसकी असलाह और तहज़ीब और इसको इस तकामत पर आमादा करने का बयान ये चैप्टर का मौजू जो है ये बहुत लंबा देखने में लगता है बहुत वसी लगता है और अगर इसको हम देखें तो इसका जो मौजू की मौजू का जो मौजू की जो विस्तृत है वो भी बहुत वसी है और बहुत ही लंबी चौड़ी फैली हुई बरंच है इसकी इस मौजू को अगर हम दोबारा पढ़ें तो इसमें है अल्लाह ताला की अजमत अल्लाह अजीम मखलूक़ात में गौर फिक्र करने का दुनिया के फना होने आखरत की होलनाकियों और दुनिया और आखरत के तमाम अमूर का नंबर दो नंबर तीन नफ्स की कोताही और इसकी असलाह व तहजीब और, और नंबर नंबर तीन और नंबर चार और इसको इस्तकामत पर आमादा रखने का बयान इससे पहले कि इस मौजू पे आगे हम देखें कि हमें क्या मिलता है अमाम नवी ने इस बारे में क्या ज़िक्र किया है अगर हम इस मौजू की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन या थोड़ी सी हैसियत को अगर समझने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, में जो हमें दावत दी और कुरान के साथ अगर हदीस और तो नबी वसल्लम उनको भी शामिल कर लें तो जो इस्लाम के जो दीन इलाही के जो पैगाम हैं जो दावत हमें मिली है उसको अगर मोटी मोटी किस्में या मोटी मोटी बातों में मोटे मोटे उसके पॉइंट्स उसको अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहली दावत या सबसे बड़ी आम दावत जो है वो हमें कुरान से भी और सुन्नत से भी मिलती है वो है दावत तोहीद और रसालत अल्लाह तला की वाहन वहदानियत उसके वाहद ला शरीक होना उसका ही सबसे बड़ा होना उसी के अहाते में पूरी कायनात का निज़ाम और उसी के मातहत इस पूरी कायनात में हर हर जर्रा उसकी वहदानियत का अल-आलान सबूत और उसके बाद रसालत तमाम रसूलों पर अम्बिया पर ईमान और ख़ातम नबीन हज़रत महमद मुस्तफ़ा वसल्लम पर ईमान और उनके आखिरी नबी होने पर ईमान और उसके बाद उसके शरीय अहकाम जो हैं कौन सी करने की चीज़ें हैं कौन कौन सी नहीं करने की चीज़ें हैं हलाम, हलाल चीज़ों के बारे में हराम चीज़ों के बारे में जो एक इंसान को दुनिया गुजारने के लिए कमस कम अज कम ज़रूरत है वो सब के सब हमें मौजूद है कुरान सुन्नत में और अल्लाह ताला उनके ऊपर उनकी दावत देता है नबी करीम अलैहि वसल्लम जो है उनकी दावत देते हैं इसके अलावा ये तो एक मोटा मोटा सा पैगाम है उसके अलावा अल्लाह ताला जो है वो कुरान करीम में भी बहुत सारे मकाम पर और फिर नबी कर की बहुत सारी अहादि में भी हमें इस दुनिया में इसकी मखलूक़ात इस का इसके इसकेब जवार हमारे आगे पीछे होने वाले वाक़ सारी जो चीज़ें हैं जो मौजूदात हैं उन सब के ऊपर भी गौर व फिकर करने की दावत देता है कुरान मजीद भी और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और कुरान मजीद में, में बहुत सारे मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते गौर व फिक्र करने वाले जो हैं उनके लिए ही निशानियां हैं ये निशानियां ये आयात जो कुरान मजीद में है वो उन लोगों के लिए हदायत का बास बनती हैं जो गौरव फिक्र करते हैं अब ये गौरव फ़िक्र करते हैं वो बहुत सारे मामल में हर तरह के मामल में ग़ौर फिकर अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए उनकी हिकमत जानने में भी अगर गौर व फ़िक्र करें दुनिया में अल्लाह ताला ने जो तखलूक बनाई जो दुनिया का निज़ाम मखलूक का निज़ाम दुनिया में जितने जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनका आपस में क्या तल्लक है कैसे वो ज़िंदा हैं कैसे वो मुर्दा हैं कैसे उनका पूरा लाइफ साइकिल चलता है ये पूर पूरे के पूरे निज़ाम इनके ऊपर भी अल्लाह गौर व फिक्र करने की दावत देता है और जब इंसान इनके इन, इस गौरव फिक्र की दावत को कबूल करता है या इस इसको कबूल करे या इसके ऊपर थोड़ी सी जस्तजू और कोशिश करे तो उसको आखिर नतीजा क्या मिलता है उसको आखिर में नतीजा ये मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो कहा वो बरहक है वही हकीकत है और वही सच है और जब इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है तो उसके जितने ईमान के तकाजे हैं उनके उनको मानना उनको मानने पर वो मजबूर होता है जितनी उसमें खबरें मिली हैं खबरें से मुराद कि जो भी जो गुजर चुके वाकयात, वो तो गुजर चुके वो तो तारीख की किताबों में मनकूल हैं लेकिन जो आने वाले वाकयात हैं जिसके बारे में कुरान में भी और हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बहुत सारी रहनमाइयाँ बहुत सारे इशारे मिलते हैं वाज तौर पर भी बहुत सारे इशारे मिलते हैं उनके ऊपर यकीन करने को इंसान मजबूर हो जाता है और फिर आखिरकार इस दुनिया में जितनी भी जिंदगी है एक इंसान की जिंदगी के अलावा इस दुनिया की जो ज़िंदगी है उस दुनिया की जिंदगी का सारा लिपट जाना इसको सारा फना हो जाना और उसके बाद आने वाले मामला जो हैं उसके ऊपर भी इंसान जो है वो ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह ताला ने जो कहा वही हक और सच है और वही यकीन होकर रहेगा अब आज के दौर का इंसान इस लेवल तक तो पहुंच चुका है आज के दौर का इंसान इस लेवल तक तो पहुंच चुका है कि वो ये साबित करे या वो ये तहकीक करके ये साबित कर सकता है या उस बात पर मादी लिहाज से साइंटिफिक लिहाज से वो इस चीज़ का यकीन कर चुका कि ये ये कायनात ये दुनिया ये जमीन सबसे पहले और उसके बाद ये कायनात जो है वो आज नहीं तो ए, कुछ कुछ सालों के बाद कुछ सदियों के बाद कुछ हजार साल बाद जितना भी टाइम पीरियड जितना भी चाहे टाइम पीरियड हो लेकिन एक वक्त आने वाला है कि ये पूरा कायनात का निज़ाम जो है ये लिपट जाएगा लिपेट दिया जाएगा इसके बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लेशन हैं बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हो चुके और उसमें उनको ये यकीन हो चुका मादी लिहाज से कि ये सब कुछ होने वाला है आखिरत की उसके बाद अगर इंसान जो है इस चीज पर यकीन कर ले अल्लाह ताला ने जो कुछ इस किताब में और हदीस सुन्नत नबी वसल्लम के जरिए हमारे ऊपर आश्कार कर दिए आने वाले हालात वाक्यात उसमें से जो हम मादी तौर पर इंसान की बात कर रहा हूँ जो मादी तौर पर जो कबूल करता है कि यहां तक तो होने वाला है तो उसको ये भी कबूल करना चाहिए ये भी उसको यकीन रखना चाहिए कि जिस अल्लाह ने यहाँ तक बता दिया उस वक़्त बता दिया जिस वक़्त इंसान जो है उसको ये भी नहीं पता था कि जमीन गोल है या चपटी है जिस वक्त इंसान को यह भी नहीं पता था कि यह जमीन जो है वो घूम रही है बल्कि ना सिर्फ अपने मिदार पर घूम रही है बल्कि सूरज के गिर्द घूम रही है उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सब वाजे कर दिया जिस वक़्त ये ऐसा लगता था कि सूरज घूम रहा है और जमीन जो है वो साकन है और इस तरह के बहुत सारे मामला जो चौदह साढ़े चौदह सौ सा साल पहले उस वक़्त की जो इंसानी अकल थी उसके मुताबिक उसको जो समझ आती थी अल्लाह ताला ने जो कुर मजीद में बताया और इवन के हदीस नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें पता चला उस वक़्त के इंसान को उसके ऊपर यकीन करना मुमकिन नहीं था लेकिन फिर भी जो ईमान लाने वाले थे उन्होंने सिर्फ लबैक कहा उस उन, उन बातों पर जो नबी की वल्लम ने बयान की चाहे वो कुरान की सूरत में है चाहे वो उनकी हदीस की सूरत में है वो सब के सब उन्होंने यकीन किया उसके ऊपर ईमान लाए और अल्लाह के ऊपर जो भी अल, अ, मतलब हकूक थे अल्लाह अल्लाह के उसके शरीयत के वो उन्होंने कबूल किए और उनके ऊपर अमल करने की कोशिश की वो ये उनका यकीन था इसी तरह से आज हमें भी ये यकीन करना चाहिए कि जो कुछ हो चुका वो सब मिनो अन उसी तरह से साबित हो चुका और जो कुछ होने वाला है उसमें भी ये बड़ी बड़ी जो एक बड़ा मजहर है इस पूरी कायनत का लिपट जाना है वो हम साइंटिफिक तौर पर भी उसको मानते हैं तो लिहाजा हमें शरीय लिहाज से भी अपने पूरे तकादे करके उसके ऊपर पूरा यकीन रखना है और उसके बाद उसके बाद आने वाले हालात और वाकयात जो हैं उनके ऊपर भी ऑटोमेटिकली यकीन आ जाएगा ये मैं दुनिया के या मादी प्रस्त लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूँ वो लोग जो मुसलमान या मोमिन होने के बावजूद इस्लाम को ज्यादा तो नहीं देते इसके ऊपर ज्यादा तहकीक नहीं करते इसकी ज्यादा अहमियत नहीं रखते उन लोगों के लिए खासकर जिक्र है बहरहाल एक बहुत ही वसी मौ है इसको समेटना इसको अहाते में लाना ही मुमकिन नहीं बल्कि इसकी ब्रांचेस को इकट्ठा करना इसके मौजुआत को की समरी बनाना भी मुमकिन नहीं जो भी मौजूद इसमें आते हैं बहरहाल अगर हम आज के मौजू की तरफ बढ़े जो हमें यहाँ पर मिलता है तो मौजू को फिर एक दफा पढ़ते हैं अल्लाह की अज़ीम मख़लूक तखलूक में गौर विक्र करने का और दुनिया के फना होने आखरत की होलनाकियों और दुनिया व आखरत के तमाम अमूर का नफ्स की कोताही और उसकी असलाह हो तहजीब अब नफ्स की कोताही क्या है कि जब इंसान जो है वो तहकीक करे गौर वफिक्र करे तो उसको बहुत सारी बहुत सारी उसको हकीकतें जो हैं वो खुलकर सामने हो जाएं जो सच और हक की सूरत में उसके सामने वादे हो जाएं तो फिर वो अपने नफ्स की कोताही अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो इसकी असलाह करने का भी मौका मिलता है उसकी असलाह करना भी उसके ऊपर ज़रूरी या फर्ज हो जाता है तो जब वो इस लेवल तक पहुंचता है तो फिर उसके ऊपर इस्तकामत पर इस्तकामत पर आमादा करने का बयान ना सिर्फ हक को पहचान कर उसको अपना लेना अपने अपनी असलाह कर लेना बल्कि उसके ऊपर फिर इस्तकामत से कायम रहना इस्तकामत रखना इस्तकामत यानी अः मतलब मुसलसल उसी काम के ऊपर जो उसी अमल के ऊपर उसी ईमान यकीन के ऊपर मुसलसल कायम रहना उसके ऊपर नफ्स को आमादा करने का बयान इस जमन में कुछ हसब मामूल शुरू में कुछ आयात दी गई हैं कुरान मजीद से जो कोर्ट की गई हैं पहली आयत जो है वो सूर्य सभा से है रज़ीम कुल इनम आजम कुल जी कुल इन्नम आजिजक बिहिदात मसना वफक् करु। ये सूरा सभा की आयत है अल्लाह ने फरमाया मैं तुमको अल्लाह ने फरमाया कुल यानी क्या कह, कह दीजिए ये कह दीजिए ट्रांसलेशन में शायद मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर ये यहाँ पर मैं से पहले कुल कह दीजिए यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह ताला ने कि आप कह दीजिए मैं तुमको एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम उठ खड़े हो अल्लाह के नाम पर दो दो एक एक फिर गौर वफिक्र करो नबी की कहा जा रहा है कि तुम तुम आप कह दे इन सब से कह दे आप कि मैं तुमको इस बात की नसीहत करता हूँ कि तुम उठ खड़े हो अल्लाह के नाम पर दो दो एक एक फिर गौरव फिक्र करो अब ये जो आयत है सबाकी, इसका जब स्याको सबाक हम देखें तो हमें आ, मिलता है कि जैसा कि हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि नबी अलैहि वसल्लम की इस की अत जो है वो मुनाफिकों पर बहुत भारी गुजरती थी और जो मुशरक लोग हैं और जो अहले किताब थे जिन्होंने जो 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 इस्लाम कबूल नहीं किया था यकीनन वो तो खुलकर दुश्मनी या खुलकर मतलब मुखालफत करते थे नबी किम की, की तो यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड में जो आया जो वाक्य है जो 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 बातें हैं या जो वाकयात हैं उसमें यही है कि जब नबी किम सलीलम ने अपने ईमान की दावत दी अल्लाह की तरफ बुलाया साहब तो अक्सर लोग जो है वो उसकी ना सिर्फ तकज़ीब करते थे ना सिर्फ उसका इनकार करते थे बल्कि कुछ ऐसी बातें करते थे जो जो नवजुबिल्ला नबी किम की जो जो हैसियत है या उनकी जो शख्सियत है उसके खिलाफ थी मसलन वो अक्सर ये कहते हैं कि, कि ये शायद इसको साया हो गया अच्छा भला ये इंसान था कुई, कुई जिन का साया हो गया है या किसी जिन जिन ने इस, इनको कब्जे में ले लिया है और वो इसके इनके मुंह में बातें डालता है और इस तरह से उनका जहनी तोजन जो है खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हुआ है नवजुबिल्ला तो इस तरह की बातें करते थे जो हमने अक्सर वेशतर सुनी है जो उलमान जो हैं वो भी अक्सर अच्छा बयान करते हैं कि इस तरह के उनके रवैये थे उन लोगों के इन मुशरकों के और उन मुनाफिकों के भी तो उन लोगों से नबी किम को कहा जा रहा है कि उन लोगों से कहो कि तुम इकट्ठे होकर चाहे इकट्ठे होकर या फर्दन फर्दन इंफरादी तौर पर ताहे चाहे ताहे तौर पर जरा गौर फिक्र करो कि तुम ये इल्ज़ाम लगाते हो ये तुम बहकी बह की बातें करते हो मेरे बारे में यानी नबी किम के बारे में कि खुदा खासा वो मजनून हो गया है और उनके ऊपर का साया हो गया है, तो सारी उम्र यानी कि जिंदगी जिंदगी के पहले चालीस साल जो हैं चालीस फोर्टी थ्री इयर्स बल्कि जब तक उन्होंने तलीम या तबलीग जो है सरेआम शुरू नहीं की थी उस वक्त तक वो तुम ही लोगों में रहे तुम ही लोगों में उठना बैठना खाना पीना तुम ही लोगों में तिजारत की तुम ही लोग तुम ही लोग उनके पास अपनी मानते रखे थे तुम ही लोगों ने उन, उनको सर्टिफिकेट दिया कि अमीन और सादक और अमीन होने का सर्टिफिकेट दिया हर चीज के ऊपर सच्चा होने का सर्टिफिकेट दिया छोटे मोटे मामला में तजारत के मामला में तुम उनके साथ रिव्यू करते थे उनके साथ सलाह मशवरा उनके उनको एक खास अहमियत और मुकाम हासिल था तो ये, ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ज्यादा उम्र का जो सर्टिफिकेट है आप ही लोगों का दिया हुआ सर्टिफिकेट जो है उसको लेकर अब वो आप ही लोगों के ऊपर ये बयान कर रहे हैं कि चालीस साल या फोर्टी थ्री या तैंतालीस साल जो है तैंतालीस साल में अगर एक एक लफ्ज कोई झूठ का मेरे मुंह से नहीं निकला तो आज जब मैं दावत दे रहा हूं कि अल्लाह है एक है और सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत करो तो आज तुम कहते कहते हो कि मेरे ऊपर इस तरह का खुदाना खादा से कोई मामला हो गया है तो अल्लाह ने फरमाया कि उनको दावत दो कि वो ज़ाहरी तौर पर तुम्हारा फोर्टी थ्री ईयर्स पहले जो गुजर चुके उनको सामने रख कर गौर फिक्र करें कि कोई एक चीज भी झूठ का एक एक लफ्ज भी नहीं सुना ना कभी सुना ना कभी पाया ना कभी ख्यामत में क्या ना कभी तजारत में ना कभी रोजमर्रा के मामला में तो आज क्या हो गया है कि आज तुम आ, उनके बारे में ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो तो इस इस आयत का ये टुकड़ा जो है ये पूरी आयत नहीं उसका थोड़ा सा टुकड़ा है उसका मफहूम यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी ज़ात के बारे में गौर फिक्र वफिक्र की दावत दी गई अल्लाह ताला की तरफ से भी उन उन मुशरिकों को या मुनाफिकों को जो इस तरह के मुख्तलिफ तरह की बातें जो है वो घटते थे या करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में महज उनकी तकजीब करने के लिए महज उनके उनकी मखालफत करने के लिए उनके ऊपर तनकीद बनकीद करने के लिए

अल्लाहर अल्लाह जुनूबी खलान दिया गया है उसका तर्जा कुछ जो है और फरमाया अल्लाह तला कह रहे हैं बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश में और दिन और रात के आने जाने में अकलमंदू के लिए निशानियाँ हैं जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े बैठे और करवट पर लेटे और वो फिकर करते हैं आसमान और जमीन की पैदाइश में और गौरव फिकर करते हैं आसमान और जमीन की पैदाइश में वो कह उठते हैं या कह कहते हैं अल, अल्टीमेटली उनको कहना पड़ता है कहते हैं हमारे रब तू ने ये आबस पैदा नहीं बनाया आबस या बेसूद बेफायदा नहीं बनाया तू पाक है इस आयत में हमने ये बहुत तफसी से आयत पढ़ी थी अपनी कुरान की जो क्लास थी उसमें कि अल्लाह तला दावत आम दे रहा है ये ये आयत जो है ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर बयान की गई इसके अलावा और भी बहुत सारी आयात इससे मिलती जुलती हैं जिसमें अल्लाह तला एक ओपन इन्विटेशन एक दावत आम देता है इंसानों को कि वो अपने इर्द गिर्द नजर डालें और देखें कि उनके इर्द गिर्द क्या क्या कुछ मौजूद है और वो कैसे चल रहा है क्या उसमें कोई कजी मिलती है क्या उसमें कोई कमी कोताही मिलती है क्या उसमें कोई 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 बिगाड़ नजर आता है तो ये सारी चीजें जो है ये चलाने वाले तो अल्लाह है बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश में और दिन और रात के आने जाने में आसमान और जमीन को किस तरह से पैदा किया गया उस वक़्त के लोग साढ़े चौदह सौ साल पहले लो, जो लोग हैं उनको कुछ भी जिक्र किया जाता है मादी लिहाज से अगर हम शराय लिहाज से देखें या मतलब दीन के लिहाज से देखें तो अल्लाह ने कह दिया जो हदायत वाले हैं जिनको अल्लाह तला ने हदायत दी उन्होंने उसी तरह से उसको कबूल कर लिया बगैर किसी मद के, ठीक है लेकिन मादी लिहाज से अगर देखा जाए तो बेशक आसमान की आसमान और ज़मीन की पैदाइश ये एक बहुत बड़ा मजह है जो जो अब अगर देखें कि वो बिग बैंग थ्योरी और उसके बाद कैसे आ, मतलब वो सियारे और सितारे और पूरी गैलेक्सीज और बनी है और उन गलेक्सीज में फिर किस तरह से सोलर सिस्टम वगैरह बने और उसमें किस तरह से सितारे और सियारे एक दूसरे के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं और फिर जमीन जो है वो कैसे बनी अल्लाह ताला ने जमीन की पैदाइश के बारे में कैसे जिक्र किया कि उसने जमीन को पैदा किया फिर आसमान की तरफ मतवजो हो गया ये सारे मजहर जो हैं आज अगर हम देखें इसके ऊपर गौर वफिक करें तो हमें नजर आता है कि यकीन ये खुद से नहीं चल सकता यकीन इसके ऊपर इसके इसके ऊपर गहरी निगरान है गहरी निगरानी है किसी एक जात की जो पूरी कायनात से बड़ा है जिसने पूरी कायनात को इस हाँ अपने अहाते में लिया हुआ है तो ज़मीन और आसमान के पैदाइश में दिन और रात के आने जाने में अगर अब हमारे पास इतनी इस्तात नहीं हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं इतनी इतनी हमारे पास अकल और फहम नहीं इतने हमारे पास इलम नहीं नॉलेज नहीं कि हम जमीन और आसमान की पैदाइश में गौर विकर कर सके चलो वो तो साइंटिफिक है उसके लिए तो पता नहीं कौन सी किताबें छाननी पड़ती हैं और कितना पढ़ना पड़ता है और या कहाँ तक खोज लगानी पड़ती है तो चलो आसान सी बात बता देते हैं अल्लाह ताला कहते हैं रात और दिन के आने जाने में ही देख लो कि किस तरह से रात और दिन एक दूसरे के आगे पीछे आते जाते हैं रात और दिन के आने जाने में कैसे मौसमों में फर्क पड़ता है कैसे तुम्हारी लाइफ स्टाइल में फर्क पड़ता है दिन के साथ दिन में काम करना रात को सो जाना फिर उस उसके साथ पूरा आपका जिंदगी का निज़ाम जुड़ा हुआ है वो बहुत सारी बहुत सारे मामला जो हैं फिर पूरा लाइफ सा, लाइफ साइकिल है पूरा रात और दिन का इसमें फिर ए, मतलब और बहुत सारी चीजें मसलन पौधे जो हैं दिन के टाइम में वो अपनी गजा को बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो जजब करते हैं जिससे हमारी जो इन्वायरमेंट है उससे उस उसमें उसमें एक एक मतलब रिफ्रेशनेस आती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड लगा लेवल कम होता है रात के टाइम में वो जब खुराक बनाते हैं कंज्यूम करते हैं तो कार्बन डाइ मतलब ऑक्सीजन जो है उसका अखराज होता है जो मजीद हमारे लिए बेहतर है इस तरह से लामह बहुत सारे ऐसे वाक्यात कोट किए जा सकते हैं जो दिन और रात के आने जाने में बो आ, मतलब मिलते हैं हमें और ये ज़ाहरी जा, तौर पर नजर आते हैं ज़ाहरी मजहर हैं ये ठीक है रात और दिन के आने जाने में बहुत सारे मामला हैं जिनके ऊपर तुम गौरव फिक्र करो तो तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की, की आ, मतलब निशानियां हैं और उसके ऊपर किसी इंसान का या किसी और मखलूक का कदर होना मुमकिन ही नहीं उसके ये ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोई और मखलूक या कोई और जात जो है अल्लाह के अलावा वो इनको चला सकती है बल्कि इनका एक जरा भी उसको कायम रख सकती है दिन और रात के आने जाने में अक्लमंदू के लिए निशानियां और ये निशानियां उनके लिए वो जो, जो अकल रखते हैं जो गौर विकर करते हैं जो तनकीद पर तनकीद करते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं चाहे वो दीन के मामले हैं दुनिया के मामले हैं उनके लिए तो कहीं पर कोई नसीहत नहीं मिलेगी ठीक है उसके बाद जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े बैठे और और करवट लेट करवर पर लेटे अल्लाह को हर वक्त वो याद करते रहते हैं अल्लाह की निशानियों में हर वक्त वो गौर फिक्र करते रहते हैं और जैसे जैसे उनके अल्लाह की निशानियाँ अल्लाह के जो मजहर हैं उनके उस उ, उनके ऊपर आस्कार होते जाते हैं वैसे वैसे उनका ईमान और मजबूत होता जाता है और वैसे वैसे वो अल्लाह के जिक्र को और बढ़ाते चले जाते हैं और वो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े हुए बैठे हुए करवट पर जिस भी हालत में है वो अल्लाह का जिक्र जो है उसमें मशगूल होते हैं लेकिन ये अल्लाह का जिक्र में मशगूल होना का मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं जो अक्सर ये जो सूफी इजम में कुछ आ कुछ इस तरह से पहलू पाए जाते हैं बल्कि उनके लिए ये लाजम है कि वो दुनिया में बैठे हुए दुनिया के सारे मामला को अंजाम देते हुए वो अल्लाह की तरफ इस तरह से रागब होते हैं कि वो दुनिया को भी अंजाम देते हैं और उनका ध्यान हर वक्त अल्लाह की तरफ भी होता है इसका हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था उस चैप्टर की तरफ इशारा मिलेगा हमें इसी इसी टॉपिक में या इसी इसी मौजूबे आगे चलते हुए बहरहाल कि वो हर वक़्त अल्लाह को याद करते हैं फिर उसके बाद आसमान ज़मीन की पैदाइश में गौर विक्र करते हैं और वो गौर व फिक्र करते हैं आसमान ज़मीन की पैदाइश में आसमान जमीन की पैदाइश में गौर विक्र करते हैं और फिर क्या कह उठते हैं जब उनको अल्टीमेटली सब कुछ उनके ऊपर सामने आ जाता है तो क्या कहते हैं ए हमारे रब तू ये सब बेकार पैदा नहीं किया तू पाक है ये सब चीजें जो तुमने पैदा की हैं ये बेकार नहीं है ये तू पाक है यानी एक इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल अशरफलुका बनाया है और इस कायनात में या इस दुनिया में जितनी मौजूदात हैं उन सब का बराह रास्त या बिलवास्ता फायदा उठाने वाला वो इंसान ही है चाहे कोई चीज उसके उसकी नजर में पड़े या चाहे ना पड़े वो इस दुनिया में मौजूद हर हर चीज़ से उसको फ़ायदा मिल रहा है जाहिरी तौर तो पर अगर देखें तो ये ये पौधे जो हैं इनसे हमें फ़ायदा मिल रहा है हर तरह का हर तरह का फायदा खाने के लिए हमारे पास सब्जियां, फल ये वो सारा कुछ उसके अलावा हमारे अलाज के लिए ज़्यादातर बहुत सारा आलाज जो है वो इन्हीं इन्हीं पौधों से या जड़ी बूटियों से मिलता है जिनके तो हमें नाम भी नहीं पता हम दोयाँ रोज के रोज़ खाते हैं लेकिन उन दिवियों के कंटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं वो इन्हीं पौधों से आ रहे हैं उन्हीं जानवरों से आ रहे हैं इन्हीं जमीन से मिट्टी से निकले हुए हैं फिर जानवरों के बारे में देखें कि जानवर जो है हमारे खाने के काम आते हैं हमारे रोजमर्रा के मामला में सफर में सफारी के काम आते हैं या इस तरह के बहुत सारे और उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम हकीर जानते हैं दर हकीकत वो किसी ना किसी तौर पर हमारे काम आ सकती हैं काम आती हैं जमीन के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं जो बैक्टीरिया हैं जो जाहरी तौर तो पर तो हमें उनका इल्म भी नहीं कि वो क्या है लेकिन वो किस तरह से हमारे काम आते हैं मतलब आ, आप अगर एग्रीकल्चर में देखें तो वहाँ पर छोटे छोटे ये जिसको हम अर्थवॉर्म कहते हैं अर्थवॉर्म जो है जमीन में जहाँ पर मौजूद होते हैं वो जमीन की मिट्टी को नरम रखते हैं और इसी तरह से इसी तरह से जैसे ये ये पिग है या सूअर जिसे कहते हैं तो सूअर वो एक खंजीर है वो हमारे लिए हराम जानवर है हराम जानवर है लेकिन उसको बिला वजह कत्ल करने का तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जहां पर खंजीर को देखो उसको बस मार दो ठीक है जिस इलाके में खंजीर होता है वहां पर ये गंदगी जो है वो नहीं होती या गंदगी को क्योंकि वो खंजीर जो है उसकी खुराक ही गंदगी को गंदगी खाना है गंद खाता है वो या किस तरह के मामला हैं इस तरह से हर हर चीज जो है वो किसी न किसी तरह के बरा रास्त या वास्ता इंसान उससे फायदा उठा रहा है और जब इंसान ये सारी तहकीकात करता है तो ये इस नतीजे पर पहुंचता है कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करे अल्लाह ताला की बुजुर्गी और बड़ाई बयान कर दे और वो ये बात मानने के पर तैयार मानने पर मजबूर हो जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बेकार पैदा नहीं होगी अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की ये सब गौर फिक्र करने की ये इस मौजू के ऊपर जो जो आयात हैं वो ही है वही हैं कि गौरव फिक्र करना है फिर उसके बाद उसके बाद फिर सुरा गाशिया की कुछ आयात है अफलामजरून इलल इबिल कई समाई कई फरूफियात व इल जिबाल फनोसीबत व अर्जी कई फसुतिहत फसूतिहात फिर इन तजिर और अल्लाह ताला ने क्या कहा है पुराने मजीद में ये गाशिया में क्या वो ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे बनाए गए हैं ये भी ज़ाहरी मजहर जो है उनके ऊपर गौर वफिक करने का इशारा दिया अल्लाह ताला ने हम मुख्तर अंदाज में देखेंगे हम ताकि हम इस टॉपिक को आज कवर कर सकें इंशाला कि क्या क्या वो ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे बनाए गए हैं और आसमान की तरफ के कैसे वो बुलंद किए गए और पहाड़ियों की तरफ के वो कैसे खड़े किए गए और जमीन की तरफ वो कैसे बिछाई गई बस तू समझाए जा तेरा काम तो यही समझाना है अब अल्लाह ताला ने और भी बहुत सारी निशानियां यहाँ पर बयान की उन्टू के बारे में कि कैसा एक जाहिरी तौर पर देखने में एक बेडंगा सा जानवर है जो में कितना बड़ा है लेकिन वो किस तरह से फायदे आते हैं किस तरह से इंसान के फायदे आते हैं इतना ज्यादा वजन एक आदमी जो है उसके लिए रेत में नरम रेत में एक आम आदमी जो है जो सत्तर अस्सी किलो नब्बे किलो वजन के साथ उसके उसको चलना मुश्किल है लेकिन वो एक आदमी से या एक इंसान से मेरा पाँच सात आठ गुना दस गुना ज्यादा वजन और उसके ऊपर सैकड़ों किलो वजन जो है वो उसको भी लाद दिया जाए तो कैसे वो आसानी से रेगिस्तान में सफर करता है फिर वो तुम्हारे मतलब खुराक के काम आता है तुम्हारी सफर और सवारी के काम आता है तुम्हारे माल बर्दार जो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है उसके अलावा भी ऊंट के बहुत सारे बहुत सारे मतलब ऐसे मजहर हैं जैसे जैसे कि अः गजबा यरमूक में या एक गजबा था जिसमें ऊंट को इस तरह से यूज किया गया कि इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई गई कि उसमें पानी स्टोर करके कैसे वो जानवरों के लिए पानी लेके गए और फिर रास्ते में उन्होंने ऊंटों को जिबा करके उसका पानी जो है वो जानवरों के लिए यूज किया अपने घोड़ों वगैरह के लिए उसका गोश्त जो है वो खाया मुझे उसकी तफसील जो है वो देखनी पड़ेगी लेकिन इस तरह के भी हमें माजी में वाकयात मिलते हैं यानी ऊंट जो है जाहरी तौर पर तुम्हें एक बेड़ंगा सा जानवर नजर आता है लेकिन उसको कैसे अल्लाह ताला ने बनाया उसकी तखलीक जो है उसके ऊपर गौर करो उसके फवाद जो है उसके ऊपर गौर करो फिर आसमान को कैसे बुलंद किया कि आसमान जो है बगैर किसी पिलर के छत के छत के तौर पर तुम्हारे ऊपर कायम है किस तरह से आसमान जो है वो तुम्हारे ऊपर खड़े किए गए और पहाड़ों को किस तरह किस तरह गाड़ा गया पहाड़ों की तरफ के कैसे वो खड़े किए गए हैं पहाड़ जो हैं इस, इस जमीन पर मेघ का काम देते हैं मेघ का काम नहीं देते बल्कि एक बैलेंसिंग स्टड बैलेंसिंग स्टड हमें कह सकते हैं एक जमीन जो है जमीन बहुत तेज रफ्तारी से घूम रही है और जमीन जो पहाड़ जो गाड़े गए हैं उसके ऊपर वो उसके बैलेंस को कंट्रोल रखे हुए है ठीक है जो थोड़ा सा मतलब जानते हैं उनके लिए एक मिसाल के तौर पर पेश कर दूं कि हम जब ये गाड़ी के गाड़ी में जब ये टायर डालते हैं नए टायर अगर डालें तो उन टायरों की बैलेंसिंग होती है व्हील बैलेंसिंग अगर करते हुए कोई देखें या यूट्यूब पे अगर आप व्हील बैलेंसिंग करते हुए देखें तो आपको बहुत आसानी से ये मजहर पता चल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से हम समझा सकते हैं कि आसमान ये जमीन के अंदर जो पहाड़ जो गाड़े गए हैं उनका मतलब या उनका मकसद क्या है जब एक टायर को फिक्स किया जाता है तो जब वो तेजी से घूमता है तो उसमें आता है, उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है जितना तेज घूमता है उतनी ज्यादा उसमें वाइब्रेशन आती है उस वाइब्रेशन की वजह यह है कि उसको उसका वेट जो है या उसका वजन जो है कहीं से थोड़ा सा कम कहीं से थोड़ा ज्यादा मामूली सा भी उसके वजन में या उसकी अलाइनमेंट में थोड़ा सा भी कहीं पर फर्क आ जाए तो जैसे ही वो तेज घूमना शुरू करता है वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है ठीक है तो उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए उसमें एक एक स्टड्स जाता है एक इजाफी वजन जो है वो एक खास लोकेशन पर माउंट माउंट किया जाता है जहां पर क्या वजन आम जुबान में या आम फहम अल्फाज में उसका वजन जहां पर कम होता है वहां पर थोड़ा सा वेट एड कर दिया जाता है जिससे वो बैलेंस हो जाता है जब वो तेज घूमता है तो उसकी इरताश जो है वो कंट्रोल हो जाती है वो वाइब्रेशन करना छोड़ देता है ठीक है अगर आप यूट्यूब पे देखें तो भी बहुत आसानी से आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी सेम उसी इसी तरह से जमीन जो है वो इंतहाई तेजी से घूम रही है और उसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने उसमें पहाड़ियों को गाड़ दिया ताकि वो एक समूद तरीके से अपने महवर के गिरद घूमती रहे अदरवाइज अगर वो पहाड़ ना गाड़े गए होते तो ये जमीन जो है हिचकोले खाती हिचकोले खाती इसके ऊपर रिहाइश पजीर होना ही मुमकिन ना होता तो ये भी एक बहुत लंबी और वसी स्टोरी है कि इसमें गौर करो कि पहाड़ों को कैसे गाड़ा गया और उसका क्या खूबसूरती और लैंडस्केप्स और ये वो और फिर उसके अलावा वो ऊंचे मकान पर बनाए गए और जहाँ पर बर्फबारी होती है और बर्फबारी जो है वो जा, 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 सर्दियों के मौसम में होती है और वो बर्फ जो बनती है वो गर्मियों में पिघल पिघल पर समुद्रों की शुक्र में या दरियाओं और नदियों और नहरों की सूरत में बहती हुई समंदर की तरफ आती है जो पूरी पूरी जो ज़मीन है उसको उसको आ, मतलब आपपाशी के लिए काम आती है और पानी जो है मुख्तलिफ तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे मजहर ऐसे हैं जो हमें नजर आते हैं पहाड़ियों की शक्ल में भी और इसी तरह से जमीन किस तरह से बिछाएगी इसका भी थोड़ा सा तजकरा हुआ कि जमीन जो है किस तरह से उसको बैलेंस रख के बनाया गया और उसकी रफ्तार को किस तरह से कंट्रोल किया गया और इसको किस तरह से उसका टेम्परेचर उस, जो गैसेस हैं अवेलेबल है उसमें ऑक्सीजन का लेवल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और उसमें बाकी जो मौजूदात हैं फिर पौधे चिरिंद प्रिंद किस तरह से उसको पेश किया गया इंसान को रहने के लिए कि जहाँ ठीक है अपने मुक्रा मुद्दत तक इस इस जमीन पर अपना कायम करो अपना निज़ाम जो है वह कायम रखो आस, आ, इस, आ, मतलब आरामदेह तरीके से जो इंसान के लिए चाहिए जो उसकी जिंदगी के लिए चाहिए वो सब कुछ इस जमीन पर मुहैया कर दिया गया और उसको बिछा दिया गया इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए एक मुकर्रर मुद्दत तक तो अल्लाह ताला कहते हैं सब गौर फिक्र करो गौर फिक्र करो बस तुझ समझाए जा तेरा काम तो यही समझाना है फिर नबी से कहा जा रहा है कि तुम्हारा काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो सिर्फ बता देना है पैगाम को पहुंचा देना है कि गौरव फिक्र करो जो 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 नबी अलैहि वसल्लम की हदीस से मिला जो कुरान मजीद में, में आया उसके ऊपर गौरव फिक्र करो उसके ऊपर अपने इलम और तहकीक करो दुनियावी लिहाज से भी और शराइ लिहाज से भी अपने दीन को भी आगे लेके जाओ अपनी दुनिया को भी आगे लेके जाओ तो यकीनन बहुत सारे मामला ऐसे खुलकर आएंगे जिससे इंसान को अल्लाह की किब्रियाई और अल्लाह की बड़ाई जो है उसको मानने का आ, मानने पर अब मजबूर हो जाएगा इसी तरह से फिर सुरय मोहम्मद का आह, आ, आया सूरा मोहम्मद की आयत नंबर टेन और फरमाया क्या वो जमीन में चले फिरे नहीं के देखें अब इसके अलावा जमीन में चलना फिरना भी ये भी आयत हमने आई थिंक सूरा आल इमरान में पढ़ी थी एक सूरा आल इमरान में पढ़ी थी कि कैसे वो सफर करते हैं और जब वो सफर करते हैं ये मशरकिन मक्का के बारे में था कि वो जब सफर करते हैं मिसर का इराक का और जब वो सफर करते थे तो रास्ते में उनको बहुत सारी बस्तियां नजर आती थी जैसे और समुद्र के जो खंडरात हैं उनको वो नजर आते थे उसके अलावा मिस्र के एजाबाद जो हैं वो नजर आते थे मिस्र के एजाबाइत मिसर के एजबात चौदह साढ़े चौदह सौ साल पहले जब ये दीन आया मिसर के तो पता नहीं कितने हजार साल पहले के वो मौजूद हैं और उस वक़्त की टेक्नोलॉजी या उस वकत के इंसान की जो मतलब नॉलेज था इल्म था आज भी उसके ऊपर इतनी जिद्दत के बावजूद आज भी उसके सारे के सारे राज जो है इंसान खोल नहीं पाया ये उस वक्त का इंसान जो है वो कितना इल्म के मैदान में आगे निकल चुका था बहरहाल उनकी तबाहियाँ हुई और उनके उनके अपने अमाल की वजह से वो जमीन बोस हो गए सारे सारे के सारी बस्तियाँ आज भी हम देखें अगर जमीन में चले पड़े तो खंडरार नजर आते हैं मुख्तलिफ बस्तियों के या कौमों के ये जो मतलब जैसे मंझदौड़ो के खंडरात है या टक्सला में जो खंजरात मौजूद है इसी तरह सिंध में खंजरात है वो पूरी दुनिया में मौजूद है और रोज निकलते रहते हैं कि पूरी की पूरी बस्ती जो है वो निकल आई है तो वो उनमें हमें बहुत सारी निशानियां मिलती हैं उसके अलावा जमीन पर चलने फिरने से अल्लाह ताला के जितने मजाहिर हैं वो हमें खुल कर वादे नजर आते हैं किस तरह से दूसरे इंसान और दूसरे चिरिंद परिंद और पौधे जो हैं उनकी लाइफ साइकिल है और किस तरह से वो अपनी हयात को कायम रखते हैं और किस तरह से इंसान जो है उससे फ़ायदा उठाता है ये भी एक लंबा मौजू है कि जमीन पर चलो फिरो क्या वो चलते फिरते नहीं जमीन पर कि उनको वो अल्लाह तला के जो जो मखलूक़ात हैं उनके ऊपर गौरव फिक्र करे उनकी हकीकत उनके ऊपर आशकार हो और वो इस वो ये मानने पर मजबूर हो जाए कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई मबूद मा, नहीं उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं जी इसके इस बात में बहुत सारी अहादीस अहादीस और आयात है सबका हदीस हदीस नंबर सेवन बाई ट्वेंटी टू इस चैप्टर को आज मुकम्मल करते हैं ये आयात ही कोर्ट की गई है इसमें अभी पिछले हमने चैप्टर पढ़ा था मुराकबे का बयान जिसका हमने जिक्र किया अभी कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान देना है और अल्लाह ताला की तरफ ध्यान जब देंगे तो हमने दुनिया और आखरत दुनिया और दीन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है उसका यहाँ पर उसी बाब की तरफ है एक हदीस को यहाँ पर कोट कर दिया उन्होंने कि उस हदीस को अगर आप रेफर करें तो उसकी मजीद तफसी हमें मिल जाती तो हम सिर्फ उस हदीस को दोबारा से देख लेते हैं फिर हमारा यह चैप्टर है आज का कवर हो जाएगा ये पेज नंबर है 7 by 22, जी, ये इस हदीस का वहां पर रेफरेंस दिया गया है इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकलमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे की है कि अकलमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे यानी दूसरे मानी है कि जो अपने को के लिए और पस्त कर ले और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी तैयारी करे और बेवकूफ वो है जो अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगाए रखे और अल्लाह से बड़ी बड़ी आर्जुए वाबस्ता करे ये इंसान की जिंदगी जो है उसका एक छोटा सा खुलासा है एक पहलू का एक छोटा सा खुलासा है जो इस हदीस में हदीस मुबारक में हमें मिलता है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए तैयारी करे अब मौत के बाद आने वाली जिंदगी इसका तस्करा मैंने जानबूझ कर उस वक्त नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही लंबा और बहुत ही वसी टॉपिक है जब मैंने तस्करा किया या जब हमने ये सुना कि इस कायनात को लपेट दिया जाएगा जब इस कायनात को लपेट दिया जाएगा तो इंसान की क्या सूरत हो जाएगी एक छोटा सा जलजला जब आता है किसी इलाके में तो वहाँ पर कैसे उधेड़ बुधेड़ शुरू हो जाती है कैसे वहां पर जिंदगी का निज़ाम धर्म भरहम हो जाता है और कैसे वहां पर आहोबका शुरू हो जाती है और जरा सोचें कि जब ये पूरी की पूरी कायनात ही लपेट दी जा रही होगी और जब क्या जो है उसको कायम किया जाएगा तो उसकी होलनाकियाँ जो है उसका तस्करा करना एक इतना वसी और इतना बड़ा टॉपिक है जो कि मुमकिन ही नहीं के कुछ घंटों में जिसका तस्करा हो सके वो 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 दिन जब ऐलान कर दिया जाएगा कि सब लोग हशर की तरफ आ जाओ जब सबको हशर की तरफ पुकारा जाएगा सब स, जब सवालों जवाब हो गए जब अमाल का हिसाब होगा जब नीयतें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी मेरे दिल के अंदर क्या नीयत थी मैंने किस नीयत से क्या काम किया सबके सामने खुलकर आ जाएगा उस वक्त जो है उस वक्त के लिए तैयारी करते हैं वो लोग अक्लमंद वो हैं जो अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं गौर वफिक करते हैं गौर वफिक्र करते अपने आप को अपनी इसलाह करते हैं अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं और मौत के बाद आने वाली जिंदगी जो है उसके लिए तैयारी करते हैं और बेवकूफ कौन से हैं वो लोग जो अपने अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगाए रखते हैं यानी नफसानी ख्वाहिशात इस दुनिया के मामला आपनी अपनी जिंदगी अपनी मादी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं बस दुनिया को गुजारना है उनको दीन से कोई सरोकार नहीं उनको मालो दौलत चाहिए उस उनको इज्जत चाहिए शोहरत चाहिए मुकाम व मरतबा चाहिए अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगाए रखते हैं और अल्लाह से बड़ी बड़ी आफजुएं वाबस्ता करे रखते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि बस हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान पैदा कर दिया हम तो जन्नत में जाएंगे जाएंगे ये नहीं पता है खुदा ना खास्ता कि कोई मामला ऐसा हो कि ठीक है अल्लाह ताला ने ये कहा और नबी की स्थाले शिफात करेंगे वो भी अल्लाह ताला का वादा है लेकिन उन लोगों के लिए जो शिरक नहीं कर रहे होंगे हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कहीं हमारी जिंदगी में ऐसे पहलू तो नहीं कि हम कलमा गो तो हैं लेकिन वो कोई ऐसे मामलात हों कि हम शिरक पर शिरक में पड़े हुए हैं इस तरह के बहुत सारे वाकत हो सकते हैं तो हमें अपने ईमान की हिफाजत भी करनी है है। और बड़ी बड़ी करने का कुछ फायदा नहीं जब तक हम अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करते अपने आप को सही रास्ते पर आ, 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 मतलब गामजन नहीं करते प्रैक्टिकली जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको उसको कबूल करके उसके ऊपर जब तक अमल नहीं करते तब तक हमें ये यकीन या ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपना खास मतलब अल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देगा बहुत कुछ आयात भी हमने पढ़ी है जैसे सूर्य बकरा में या सूरा इमरान में भी कि क्या तुम लोगों ने ऐसे यूं ही ख्वाहिश कर ली है कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में भेजेगा जबकि तुम्हारे ऊपर तो इस तरह के हालातों वाक़ ही पैदा नहीं हुए ठीक है इस तरह यानी कि तुम्हारे ऊपर तो इतनी मुशक्कत ही नहीं आई कि तुम तुम जन्नत की ख्वाहिश करो इसी तरह ने हमने अहले किताब के बारे में यहूदियों के बारे में खासकर एक आयत पढ़ी थी सरा बकरा में कि वो उन्होंने उन वो वो अहले यानी अहले किताब में से एक ग्रोह ऐसा भी है जो किताब का एल्म नहीं रखता यानी उन्होंने उस वक़्त जो तौरात और जबूल या इंजील या जो भी उस वक्त उनके पास किताबें मौजूद थी उन किताबों को स्टडी नहीं किया उन किताबों में अल्लाह ताला ने क्या कहा या उनके पैगम्बरों ने उसके उन उनके नबियों ने उन तक क्या बात पहुँचाई उसके ऊपर वो गौर फिक्र नहीं करते बल्कि क्या करते हैं उनकेमा जो हैं सिर्फ उन्हीं की बातों पर इक्तफा करते हैं सिर्फ उन्हीं की सुनी सुनाई बातें जो है उन्हीं के ऊपर यकीन रखते हैं ठीक है उन्हीं बातों के ऊपर वो अः मतलब उनको सिर्फ उन बातों को पता है जो उनके उलमा ने उनको बता दी और उनके उलमा की बताई हुई बातों के ऊपर ही वो यकीन रखते हुए वो एक गुमान कर बैठे हैं या एक उम्मीद लगा बैठे हैं कि अल्लाह तला उन्हें माफ कर देगा हालांकि वो ये नहीं सोचते कि ये उलमा जो है हो सकता है उनसे कोई गमी पेशी हो जाए हो सकता है कि उनसे कोई कोताही सरदर्द हो जाए ये आज हमारे लिए भी है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ फर्क आ जाए हो सकता है मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो, जो हक, हक, हकीकत पर मुबनी ना हो या जो गलत हो खुदा ना खास्ता हालांकि मेरी नीयत तो ऐसी नहीं लेकिन बहुत सारे जो हैं हो सकता है किसी से कुछ ऐसी ऐसे मामला सरदर्द हो गए जिसकी वजह से जो, आ, मतलब कुछ अः कुछ गलतफहमिया पैदा हो जाएं या उनके नाकस इल्म के मुताबिक कुछ ऐसी बातें कह दी उन्होंने जो हकीकत में मुबनी नहीं थी बाद में आने वाले जो हैं उनके ऊपर ये जरूरी है कि वो अपने अपनी तहकीक में रखें अपने आप को थोड़ा बहुत जस्जीव करते रहें थोड़ा बहुत इल्म हासिल करते रहे थोड़ा बहुत इधर उधर देखते रहें यही हाल हमारे आजकल बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक मैटर है जिसको मैं ज़्यादा तफसील से नहीं देखूंगा। या ज्यादा तफसी से नहीं देखना चाहिए कि बहुत सारे बुजुर्ग या बहुत सारे पहले वली गुजरे हैं या बहुत सारी शख्सियत ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अपने के बुनियाद पर या अपनी जो भी उनकी नीयतें थी उनकी बुनियाद पर बहुत सारे ऐसे मामलात जो हैं वो बता दिए लोगों को और बहुत सारी किताबें ऐसे लिख दी और आज के जदीद दौर में बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर खुलकर वाजे हो जाने के बावजूद लोग जो है वो उन्हीं की तकलीद करते हैं और उन्हीं के ऊपर बस कायम दायम है और उन्हीं के ऊपर यानी कि उनके सेम वही हो गया कि उनके उलमा ने जो बातें कह दी सिर्फ उन्हीं के ऊपर यकीन और अतमाद करना है और उन्हीं के ऊपर तकिया लगाए रखते हैं और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तक उनकी बख्शिश भी कर देगा जबकि अल्लाह ने एक अकल दी है फहम दी है अ, मतलब इल्म दिया है किताब दिया है सारा कुछ अभी आज के दौर में तो हर चीज फिंगर टिप्स पे है हर चीज़ हमारे सामने मौजूद है मैं भी यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ मेरे पास ये फिजिकली दो तीन बुक्स हैं उसके अलावा बाकी सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है आप आप सर्च करें बुक्स डाउनलोड करें उसको अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप कंप्यूटर में सेव करें उसके ऊपर तहकीक करें कि आज तो बहुत 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 कम वक्त लगता है आपको किसी चीज की तहकीक करने के लिए तो आज भी अगर इंसान जो है वो अपनी तहकीक को छोड़कर अपनी कोशिश को छोड़ कर सिर्फ दूसरों की बताई हुई बातें जो है उन्हीं के उन्हीं को, को तकिया लगाए रखे और ये कोशिश ये ख्वाहिश रखे कि वो अल्लाह ताला उनको बख्श देगा और जन्नत में चलाएगा उनका अपना भी कुछ फ़र्ज है उस फर्ज को भी वो जहाँ तक मुमकिन हो पूरा करें मैं ये नहीं कह रहा किलमा जो है वो बस उनको छोड़ दें यकीन वो हमारा असासा है लेकिन अपना तहकी और जस्जु और अपना अपने अपना इल्म हासिल करना ये भी तो इंसान की एक जुम्मेदारी है तो अल्लाह ताला हमें इस काबल बनाए और अल्लाह ताला हमें फेहम दे के हम सही मानू में जो जो नफा बख्श इलम है वो हमें हम हासिल करें और अल्लाह ताला हमें मजीद हदायत और रहनुमाई दे के हम उसमें से जो हक हकीकत है वो हमारे ऊपर आश्कार हो जाए और अल्लाह तमें उन बंदों में शामिल करे जो इस दुनिया में भी कामयाब है और इस आ, और आखिरत में भी कामयाब लोगों में शुमार होते हैं इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये भी ख़त्म हो जाता है आ, अगले चैप्टर के साथ इंशाल्लाह हम अगली मजलिस में अगली हदीस के जो मजलिस है उसमें हाज़िर होंगे वमा अलैना इल्ला अल ममा मुबीन काफ़ी लंबा हो गया आज का तो मुझे लगता है जुमरात की भी हमने कसर निकाल दी है बहरहाल अगर किसी को कुछ ऐड करना है इसमें तो आप यकीनन माइक पे आ सकते हैं इंशाल्लाह जी मेरा हाल वक्त भी काफ़ी हो चुका है तो इनशा हम बर्खास्त करते हैं मजलिस को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे हमें सही फाहम अता करे और हमें आज कल के दौर में जो मुश्किल हैं पूरे पूरी आलम दुनिया को और ख़ास कर मुसलमानों को अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस वबा से हमें अल्लाह तला जल्द से जल्द निजात दे और उसके बदले में हमें एक सेहतमंद آب و ہوا جو ہے وہ اللہ <سؤال> وما علينا الا <سؤال> البلاغ المبين ربنا تقبل منا انك انت سميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته